कोरोना महामारी के बीच जयपुर का RUHS कोविड मरीजों के लिए एक तरह से वरदान साबित हो रहा है। आपको बता दें, यहां पर डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ कोरोना वॉरियर के रूप में निस्वार्थ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हाल ही में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद राज्य सरकार ने RUHS में प्रदेश भर के कई नर्सिंग कर्मियों की ड्यूटी लगाई, लेकिन उनके खाने पीने और ठहरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। ऐसे में कोरोना के ये फ्रंटलाइन वर्कर परेशानी के बीच भी मरीजों की लगातार सेवा में जुटे हुए हैं। महिला नर्सेज संगठन की प्रदेश अध्यक्ष विनीता शेखावत ने बताया कि RUHS में 300 नर्सेज 1400 से भी ज्यादा मरीजों की सेवा में जुटी हुई हैं। दो नर्सेज हॉस्टल हमने महिलाओं के लिए इसको रिजर्व किया है, जिसकी मैं नर्सिंग नोडल ऑफिसर भी हूँ। लेकिन अभी जो अलग अलग जिलों से नर्सिंग कर्मी आए, उनके लिए अचानक से व्यवस्था यहाँ पर रहने की नहीं है, खाने की नहीं है, पीने की भी नहीं है। हमारे अधीक्षक साहब व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन मैं सरकार को, राजस्थान सरकार से ये गुजारिश करती हूँ और हमारे अधिकारियों से भी, कि कोरोना वॉरियर्स जो हैं, नर्सिंग कर्मी जो हैं, डॉक्टर्स जो हैं, सभी जो फ्रंट लाइन में अपनी जान जोखिम में डालकर और मरीजों को बचा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनके लिए